मेरा नाम अशोक कुमार, मेरे डैडी का नाम देशराज, गांव महराना, जिला पानीपत, हरियाणा से हूँ जी। मेरे और मेरी वाइफ रजनी का झगड़ा 1 जनवरी 2019 को हुआ था जी। फिर इन्होंने मिलकर जो वहाँ का संजय बाबा है गाँव पुराखेड़ी का, जो दो नंबर नशा मुक्ति केंद्र गैंगस्टर है, जो मर्डर किडनैपिंग करवाता है, उससे मिलकर मेरे और मेरे परिवार ने हत्या करवाने की प्लानिंग की जी। प्लानिंग की तो मैं वहाँ से अपनी जान चाहता हूँ। प्लानिंग क्यों की? प्लानिंग इसलिए की कि वो चाहते थे कि मैं जो वो कर रही है वो उसको करने दे, मैं बीच में क्या कर रही थी, वो दूसरे के साथ नजायज संबंध कर रही थी, वो तो मैंने एतराज जताया, मगर ऐसा ठीक नहीं है, ये गलत है जी। तो इसलिए उन्होंने प्लानिंग की भी ये मानने वाला नहीं है, इसकी हत्या करा देते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ से जब से ही अपना जान जोता, कभी गुरुद्वारों में, कभी रैन बसेरों में, कभी इधर कभी उधर अपनी जान जोता फिरा हूँ। और ये बंदे रात दिन मेरी मुखबरी करते हैं, अभी अकेला कहीं निकले और इसको उठाए किडनैपिंग करें जी। मेरे बच्चों पे और मेरे घर पे कब्जा करवा रखा है, और मेरे को सारी उम्र के लिए लावारिस लिख के दे रखा है इनको, गैंगस्टरों को, भाई इसको पकड़ के इसको अपना हत्या करके इसकी इसको फेंक दो जी, अगर ये जिंदा रहेगा तो। कभी आपने कोई मुकदमा वगैरह दर्ज कराया हो? हाँ जी करवाया जी, मैंने पानीपत जो कोर्ट है वहाँ पे करवाया, इसकी सारी कॉपियाँ जो पानीपत में थाना माल टाउन चौकी 8 बरला में वहाँ पे जो रखी है सारी की सारी, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो रही है जी। हाई कोर्ट में मैंने अप्लीकेशन डाला था, लेकिन वकील ने पैसे खाकर कच्चा केस डाला, उसकी अप्लीकेशन जो है वो भी 8 बरला चौकी में वैसे ही रखी है जी। आपकी बीवी के गुंडे बदमाशों से संबंध है ना जाए? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल संबंध है जी, बिल्कुल। वो चाहती है कि वो मेरे को मार दे, वो जो मेरे इससे घर है वो बेच के कुछ हम आप खा लें, उसके भाई है, वो मेरी वाइफ चाहती है कुछ इन गुंडों को दे दे जी। ये प्लानिंग की हुई है जी। कितने बच्चे थे आपके? 2 लड़के हैं जी मेरे। अच्छा। वो उन पे कब्जा कर रखा है, बच्चों पे कब्जा कर रखा है, लड़के मेरे सामने आएंगे तो वो भी बयान देंगे सामने खड़े होकर मीडिया के जी। मेरी मीडिया से यही प्रार्थना है कि वो मेरी मदद करे, जिससे कि मेरी मुझे मेरे बच्चे मेरे बच्चे को देखो, मेरे 4 साल हो गए हैं, मैं अपने बच्चे को भी देख सकता अपनी जान बचाऊंगी, अपने बच्चे को कैसे देखूं मैं, मेरे बच्चे ही मेरे को मिलना चाहते हैं, मैं ही मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मेरे को नहीं मिले मेरे, इनकी 24 घंटे मेरी भी नजर रखे हुए, कहीं अकेला रात के टाइम निकले इसको उठाए, इसकी इसको खत्म करके फेंक दे, मेरा परिवार भी इसके इससे मिला हुआ है जी। मेरी मीडिया से यही प्रार्थना है कि मेरी इनके पर दबाव, प्रशासन के पर दबाव बढ़े, जिससे कि मेरी सुनवाई हो, जिससे मेरे बच्चे मेरे को मिल सके जी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इसकी शिकायत मेरे CM से की, पानीपत के SP से की, सभी जगह भी मैंने एक अप्लीकेशन प्रधानमंत्री जी के नाम भेजी है, लेकिन कहीं से कोई भी मेरे को उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। जब भी मैं मीडिया के पास आया हूँ कि सिर्फ मीडिया से ही एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे मेरे बच्चे मुझे मिल सकते हैं, अगर आप इसमें मेरी मदद करोगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी जी। धन्यवाद जी।